नमस्कार दोस्तों, मैं रियांश मॉम आप सभी का स्वागत करती हूं आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं दिवाली की रात को करें ऐसे उपाय जिससे बनेंगे धनवान। दिवाली की रात को कुछ ऐसे टोटके और उपाय होते हैं जिसे करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हर पूरे साल पैसा बना रहता है। तो कौन से हैं वो उपाय धन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, आज वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल और लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख के जाइएगा। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यूं तो ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं जिसका प्रयोग कभी ना कभी किया जाता है, लेकिन धन वृद्धि के लिए कुछ ऐसे ही प्राचीन टोटके हैं जिन्हें केवल विशेष अवसरों पर किया जाता है। ऐसे ही कुछ जो विशेष तौर पर दिवाली के दिन किए जाते हैं। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी इनसे अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक को धन धान्य का आशीर्वाद देती है। तो आइए दिवाली के दिन किए जाने वाले इन प्राचीन टोटकों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नंबर वन, कमल गट्टे की माला से करें जाप। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे दिवाली के दिन महालक्ष्मी के महामंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर टू, दिवाली अमावस्या के दिन पड़ती है, इसीलिए इस दिन सुबह सवेरे पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। इससे शनि ग्रह संबंधित सभी दोष खत्म होते हैं, साथ ही काल सर्प दोष भी खत्म हो जाता है। ध्यान रखें कि पीपल में सुबह सवेरे जल चढ़ाने के बाद देर रात सरसों तेल का दीपक जलाना ना भूलें। दीपक रखने के बाद चुपचाप अपने घर लौट जाएं, गलती से भी पीछे मुड़कर ना देखें। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। दिवाली के दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में दरिद्रता का नाश हो जाता है, साथ ही देवी लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इसके अलावा दिवाली के दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। दूर्वा मतलब धूप घास। मान्यता है कि गणेश को दूर्वा की 21 गांठ चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह टोटका काफ़ी पुराना है, लेकिन मान्यता है कि इसे करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दिवाली के दिन एक नई झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू लाने के बाद उसकी पूजा करके पूरे घर की सफाई करें और झाड़ू को छिपाकर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। धन वृद्धि के लिए दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा में एक या फिर दो हल्दी की गांठ रखें। लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद हल्दी की गांठ को घर में वहां रखें जहां पर आप अपने रुपए पैसे रखते हो। ऐसा करने से धन में बरकत बढ़ने लगती है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। दिवाली के दिन कुल देवता और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद पीली कौड़ियों का टोटका करना ना भूलें। इससे देवी लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन में पीले रंग की कौड़ियाँ रखें। मान्यता है कि इस उपाय से जातक की धन संबंधित सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। दिवाली की रात को भूलकर भी सोए नहीं, इस रात में जागरण करना चाहिए और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आप माता लक्ष्मी के मंत्र जाप करें, भजन या कीर्तन आदि करें। ऐसे में जब ऐश्वर्य की देवी आपके घर में पधारती है तो भक्ति माया वातावरण में अत्यंत प्रसन्न होती है। ऐसे भक्तों पर माता की विशेष कृपा रहती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दिवाली की रात में माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में इतना तेल डालें कि ये पूरी रात जलता रहे। इस दिवाली को किसी कांच वगैरह से ढक दें
ताकि ये बुझ ना पाए। दिवाली की रात को अपने घर को साफ सुथरा रखें, खास तौर से मुख्य गेट को एकदम साफ रखें, क्योंकि माता का प्रवेश वहीं से होता है। इस द्वार पर फूलों की लड़ियां लगाएं, रंगोली आदि बनाएं, यह देखकर माता अत्यंत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि दिवाली की रात को करें कौन से ऐसे उपाय जिससे हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो और लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहे। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।